न्यू आवास विकास स्थित कैंप कार्यालय पर गंगा समग्र संगठन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, आज महानगर संयोजक विजयंत कुमार के द्वारा गंगा समग्र सहारनपुर में महानगर की टीम का गठन करने के संबंध में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें गंगा समग्र महानगर की टीम में निम्न आयाम प्रमुख की घोषणा की गई, जिसके अनुसार महानगर में विभिन्न व्यक्तियों को आयाम प्रमुख के दायित्व दिए गए। संपर्क प्रमुख अशोक कुमार, स्वास्थ्य प्रमुख राणा, शिक्षण संस्थान प्रमुख भोजवीर सिंह, जल निकाय प्रमुख अश्विनी सिंह, गंगा सेविका उपमा सिंह, घाट आयाम डॉक्टर आदित्य सिंह राठी को बनाया गया। मेरा नाम विजयंत कुमार है, मैं स्वयं सेवक संघ का महानगर संयोजक हूँ गंगा समग्र का। गंगा समग्र अभियान है, जन जागरण अभियान है स्वयं सेवक संघ का। उसमें जो भी जल है वो गंगा जल है, वो तालाब, नदी, नाले, नल, सभी प्रकार का जो भी जल है उस वो गंगा जल है। और उसका एक मोटो है कि निर्मल गंगा, अविरल गंगा। और ये जब ही संभव होगा जब हम जन जागरण अभियान चला के इसमें पूरे जन समूह के साथ लेके इन नदियों को, नालों को जो गंदगी डालते हैं उनमें साफ सफाई अभियान चले। जैसे हमारी पांव धोई नदी है, हिंडन है, कृष्णा है, इन सारी नदियों में स्वच्छता अभियान चलेगा। सर, किस तरीके से चलाएंगे आप? ये जन जागरण अभियान चलेगा सभी जन समूह के माध्यम से। और जो सरकारी योजनाएं आ रही हैं, जो पैसा दिया जा रहा है इन्हें, अब तक पांव धोई में कई करोड़ रुपए इन्हें दिया जा चुका, लेकिन वो पैसा सही रूप से इस्तेमाल नहीं हो रहा और पांव धोई आज तक स्वच्छ नहीं हो पाई। उसमें जन सहभागिता जोड़ी जाएगी, लोगों को जागरूक किया जाएगा ताकि जो पैसे का सदुपयोग हो और पैसे का सही इस्तेमाल हो के, और जो लोगों को थोड़ा जागरूक करेंगे उसमें गंदगी ना डालें, और प्रशासन से भी ये कहा जाएगा कि उस पैसे का सही से इस्तेमाल करें, उसकी देखरेख जन जागरण अभियान के अंतर्गत आम आदमी करेंगे और उस पैसे को सही तरीके से लगवाएंगे। जी बिल्कुल। ये अभी पिछले 2-3 साल से चल रहा है, लेकिन हमारे सहारनपुर में भी ये गंगा समग्र का अभियान अभी शुरू हुआ है। और जो पहले नमामि गंगे चल रहा था सरकारी, जिसके अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री जी भी हैं, उसके जब रिजल्ट नहीं आए सही, तो उसमें स्वयं सेवक संघ ने जिम्मेदारी ली है और गंगा समग्र अभियान के अंतर्गत जन जागरण अभियान चला के गंगा को अविरल गंगा और स्वच्छ गंगा, स्वच्छ जल के आधार पर ये काम करा जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।